तो ये देखिए हमारा फाइनली केक बनके तैयार है। आप भी इस केक को अपने घर में बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे केक की रेसिपी, वो भी बिस्किट और चॉकलेट से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो केक बनाने के लिए हमने 6 पैकेट 5 रुपये वाली जो चोको फ्लेवर की जो बिस्किट आती है उसे हमने लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ये ले सकते हैं। और इन सब को हमने अच्छे से इसे ग्राइंडिंग कर लिया है। तो ये देखिए बिल्कुल पाउडर की तरह ये ग्राइंड हो चुका है। अब हम थोड़ी सी इसमें चीनी पीस लेंगे। चीनी 2 चम्मच हमने लिया है। आपको मीठा कम ज़्यादा जैसा पसंद हो, बिस्किट के हिसाब से आप मीठा दे सकते हैं। और इन दोनों को हम अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ी सी दूध डाल के इसे अच्छे से इसका डो तैयार करेंगे। आप चाहे तो इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ी सी इलायची भी डाल सकते हैं। इसके सारे लम्स को हम अच्छे से मिलाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी दूध दे के इसमें अच्छे से इसे मिलाएंगे ताकि इसका जो बैटर है अच्छे से बन जाए। तो ये देखिए हमारा इस प्रकार से बैटर तैयार हुआ। अब हम इसमें थोड़ी सी एक मीडियम साइज के चम्मच से इसमें घी डालेंगे। घी डालने से इसमें और ही इसका कहीं ज़्यादा टेस्ट इसका आ जाएगा, बहुत ही ये टेस्टी बनेगा। ये देखिए इस प्रकार से हमें बैटर को रखना है। तो अब हम एक केक टिन लेंगे। आप चाहे तो केक टिन भी ले सकते हैं, उसमें घी से ग्रीसिंग कर लेंगे। और उसके बाद थोड़ी सी मैदा लेके इस पर चारों तरफ लगा देंगे। ये हमने कुकर का पॉट लिया है। आप चाहे तो केक टिन में इस प्रकार से बना सकते हैं। तो अब हम लास्ट में थोड़ी सी यहाँ पे खाने वाला सोडा इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसके जगह इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे यहाँ इनो नहीं था तो उसके जगह हमने खाने वाला सोडा का इस्तेमाल किया है। तो अब हम लास्ट में इनो या खाने वाला सोडा डाल के इसे केक टिन में डाल के इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। और फिर अब कुकर लेंगे और उसमें हम नमक डालेंगे। उसके बाद फिर आपके पास इस प्रकार का स्टैंड हो तो डालें, नहीं तो डायरेक्ट कुकर में आप नमक के ऊपर भी रख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से आप रखेंगे इसमें। तो अब हम कुकर का ढक्कन लगा के इसका सीटी हम निकाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम लगभग 25 से 30 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए हमें लगभग 20 मिनट पकाया है लो टू मीडियम पे। तो ये पका है कि नहीं ये भी पता चल जाएगा। यदि चाकू में इसका बैटर लग गया है तो इसका मतलब अभी नहीं पका। ये देखिए इसका बैटर लग के निकल रहा है तो अभी नहीं पका ये केक। जब बैटर बिल्कुल चाकू में नहीं लगेगा तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से पक गया है केक। तो इसे हम फिर से और ढक देंगे। और फाइनली फिर 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारा ये केक लग रहा है पक गया है। तो अब चाकू डाल के देखेंगे। ये देखिए इसमें बैटर नहीं लगा है तो ये अच्छे से पक गया। एक दो जगह और देख लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से पक चुका है केक। तो अब इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे केक को। और हमने 2 10 रुपये वाली 2 डेरी मिल्क का बैटर तैयार किया है इस पर क्रीम लगाने के लिए ऊपर। तो उसके लिए हम पानी एक बॉल में पानी गर्म करेंगे और एक कटोरी में इसे लेंगे डेरी मिल्क चॉकलेट को और इस प्रकार से इसे डाल के इसमें थोड़ी सी पानी डाल लेंगे। आपको जिस प्रकार से इसका बैटर तैयार हो, गाढ़ा रखनी हो बैटर इसका। तो ये देखिए हमारा क्रीम फाइनली तैयार हो गया है। तो अब हम केक को लेंगे। तो ये केक का हमारा ऊपर वाला हिस्सा इस प्रकार से पकाने से ऊपर थोड़ा सा उभर आता है
तो आप चाहे तो इसे काट के निकाल सकते हैं, आपको नहीं पसंद हो तो आप रहने दें, लेकिन काट के निकालने से थोड़ा सा इस साइज इसे देखने में अच्छा लगता है। तो हमने सारे क्रीम को इस प्रकार से लगा लिया है और कुछ हमने चॉकलेट्स को रखा था इसे गार्निश के लिए, कुछ और पर्क चॉकलेट से इसे डेकोरेट किया है और लास्ट में हमने बादाम के बारीक बारीक टुकड़े से इसे गार्निश किया है। तो ये देखिए फाइनली हमारा ये बनके केक तैयार है। तो इस प्रकार से आप केक को बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है केक। आप इस रेसिपी को एक बार अपने घर पर जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।